खूबसूरत सिक्किम, ब्यूटीफुल सिक्किम। अच्छा अच्छा स्नो लेपर्ड्स भी है, वाओ। सर देखा आप लोगों ने कभी सर स्नो लेपर्ड देखा हो कभी कि आप लोगों ने? जी जी, हम ईयरली कैमरा लगाते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें आता है, कैप्चर होता है, नेकेड आई से देखने में मुश्किल पड़ता है। अच्छा स्नो लेपर्ड, माय गुडनेस, स्नो लेपर्ड तो सिक्किम इस रीजन में ही तो है स्नो लेपर्ड्स। ये हम लोगों का होम स्टे और लुक एट द सीन, यहाँ से देखो सीन कैसा है, जस्ट वाओ। सो लगभग एक से डेढ़ घंटा जर्नी करने के बाद मैं आ चुका हूँ पदम चेन और यहाँ पर आज हम लोग हॉल्ट करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ चेक पॉइंट, लिंगताम पुलिस चेक पॉइंट, लिंगताम पुलिस चेक पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग जो डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन क्यों दिखाना पड़ता है, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने यहाँ पर से ये किया है, परमिशन लिया है हम लोगों ने, परमिशन टू गो जुलूक, जुलूक जाने का जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास था रंगली बाजार से जो लिए थे हम लोग, उस परमिशन को दिखाने के बाद हम लोग को परमिशन ऊपर जाने के लिए। अभी हम लोग सीधा सीधा ऊपर जा रहे हैं, परमिशन दिखाने के बाद हम लोग को छोड़ दिया गया, ऊपर जा रहे हैं। ये पोस्ट है रंगली बाजार से आधा घंटे एक घंटे के बाद ही, अभी सीधा सीधा ऊपर जा रहे हैं। जितना ऊपर जा रहे हैं भैया उतना ही ना ठंड बढ़ रहा है, उतना ही ठंड बढ़ रहा है, पूरा ऊपर पहाड़ चढ़ रहे हैं, अभी पहाड़ पे ही है और भी ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर उतना ठंड ज़्यादा। देखो ये पूरा लोकल कस्बे है, लोकल लोग यहाँ पर रहते हैं पूरा पहाड़ों के बीच में। रास्ते का कंडीशन एवरेज है, कहीं कहीं अच्छा है कहीं कहीं बुरा है, बट मैक्सिमम जगह मैं देख रहा हूँ पहाड़ का साइड में रास्ते का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। यहाँ पर इंडियन आर्मी का भी आपको रह सकता है कि आपको गाड़ी दिखाई देगा, सामने ही बॉर्डर है, मीन्स सिक्किम में बॉर्डर वाला जोन है, बॉर्डर में आपको इंडियन आर्मी का भी आपको लॉजिस्टिक का गाड़ी भी आपको मिल जाएगा बहुत यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर काम चल रहा है रास्ते को ठीक करने के लिए, ये चलो चलो चलो, बहुत ही हार्डशिप है ये। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं ये क्यू खोला फॉल्स में, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस। तो ये देखो खूबसूरत ये क्यू खोला फॉल्स, गाड़ी को यहाँ पर पार्क करके हम लोग इधर जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। तो ग्रीनरी मीनरी कुछ लिखा हुआ है अबाउट दैट, दिस इज द लू एंड दिस इज द अमेजिंग क्यू खोला फॉल्स ओवर हियर। तो चलो यहाँ पर उतरते हैं, वाओ जस्ट वाओ जस्ट वाओ, Just look at the scene. ये देखो पानी बह रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, लोग फोटोशूट्स भी कर रहे हैं, एंड आप यहाँ पर बैठो पत्थर के ऊपर एंड एक्सप्लोर करो ये खूबसूरत सा नज़ारा, अमेजिंग अमेजिंग, जस्ट लुक एट द ब्यूटिफुल क्यू खोला फॉल्स ओवर हियर। और आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर पानी बहते हुए कहाँ जा रहा है, यहाँ से पानी बहते हुए भाई गॉड, पानी यहाँ से, हाँ यहाँ से बहते हुए ये नीचे कहीं से जा रहा है। तो चलिए इसका फ्लो देखते हैं कहाँ पर इसका फ्लो, ये फ्लो पकड़ते अगर जाएंगे, यस यहाँ जाकर पानी ड्रेन हो रहा है, जस्ट साउंड सुनिए कितना भयंकर साउंड है पानी का, और ये बह रहा है इधर, इधर से बह रहा है, वाह ये पूरा देखो जा रहा है यहाँ से, संभल के थोड़ा सा जाना पड़ेगा, थोड़ा स्लीपर भी है। खूबसूरत सिक्किम, ब्यूटीफुल सिक्किम, जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल फॉल्स, एकदम रास्ते के ऊपर है ये जगह, सो नाइस सो ब्यूटीफुल। नाउ आई हैव टू गो देयर, तो हाउ टू गो, चलो लेट्स ट्राई वंस, ओके।
सो फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ दोस्तों, फाइनली मेरे एक्चुअली दो हाथ ब्लॉक है, साथ में मेरा मोबाइल है, इसमें अंदर गोप्रो है ब्लॉक है, अभी इस पर चढ़ाई करना है, ये क्वाइट ईजी है, इधर से चलो चला जाता हूँ। सो धीरे धीरे आई एम मूविंग टूवर्ड्स द फॉल्स। ओके यहाँ पर गमछा होता तो मैं नहा लेता, टावल होता तो नहा लेता। वाओ वाओ जस्ट अमेजिंग। तो जनाब ये जो क्यू खोला फॉल्स मेरे पीछे आप देख सकते हो, जिसका आवाज़ भी शायद आपको मिल रहा है, तो इस पर जाकर बहुत मस्ती किया, बहुत सेल्फी तुला, बहुत वीडियो मिले शूट करने के बाद। आई बिकम टू मच टायर्ड। एकदम सामने एक छोटा सा घूमटी टाइप ऑफ दुकान था, छोटा स्टॉल, वहाँ पर जाकर मैंने कॉफ़ी ले लिया है, पर ये गर्मा गर्म एक छोटा कप का कॉफ़ी का दाम है 20 रुपये। बट ठीक है चलो, पहाड़ में सब कुछ दाम एक्सपेंसिव होता है, बट चलो यार ये फॉल्स का कोई एंट्री भी नहीं है। बट जब मैं मेघालय गया था वहाँ पर एक है ना, हर फॉल का एक एंट्री भी रहता है, पर सिक्किम में ऐसा नहीं है, फॉल्स बहुत सब फ्री है, इतना सारा फॉल्स है, कहाँ पर कहाँ फॉल को रोकेगा और पैसा लेगा लोगों से। तो फीलिंग सो मच एक्साइटेड, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ एक पूरा जगह है, पूरा जंगल के बीच में ये वादियाँ और एक बहुत ही क्लाउडी एटमोसफियर, झरने का आवाज़ को सुनते हुए फील करते हुए गर्मा गर्म कॉफ़ी का जो मज़ा है दोस्तों, वही आई कैन फील इट। और अगर आप भी अगर फील कर रहे हो तो अभी तक देख रहे हो तो भाई एक तो लाइक ठोकी दो। सो चलिए देखते हैं आगे का सीन क्या है हम लोगों के लिए। सो दोस्तों चलते चलते एक दूसरा पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं, ये है फॉरेस्ट चेक पोस्ट। फॉरेस्ट चेक पोस्ट में से इसके ऊपर एक सर ऊपर फॉरेस्ट कुछ फॉरेस्ट है सर फॉरेस्ट हाँ सॉरी सर पंगोला वाइल्ड सेंचुरी गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का। तो उसके लिए जो टिकट हम लोगों ने परमिशन के लिए खरीदा था, उस वो वाला चीज़ वो नीचे पुलिस का ये फॉरेस्ट का। अच्छा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। अच्छा आप लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हो सर, फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स है क्या अभी? क्या क्या है सर यहाँ पे? बार्किंग डियर। हाँ हाँ डियर्स है। बार्किंग डियर, स्नो लेपर्ड। अच्छा अच्छा स्नो लेपर्ड भी है। वाओ सर देखा हो आप लोगों ने कभी सर स्नो लेपर्ड देखा हो कभी आप लोगों ने? जी जी हम ईयरली कैमरा लगाते हैं ना। अच्छा 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 उसमें आता है, कैप्चर होता है, नेकेड आई से दिखने मुश्किल पड़ता है। अच्छा स्नो लेपर्ड, माय गुडनेस, स्नो लेपर्ड तो सिक्किम इस रीजन में ही तो है। स्नो लेपर्ड बड़ा होता है और उसका जो लोम भी बहुत फार भी बहुत होता है। थैंक यू सर। वेरी रेयर एनिमल, रेयर इज वेरी, इज अ एंडेंजर्ड स्पीशीज है, घोषित हो चुका है, इसको तो मिलता भी नहीं है अभी, तो एकदम टॉप ऑफ द हिल पे रहता है। अमेजिंग गाइस, इज अ नाइस फैक्ट, स्नो लेपर्ड, सर ने स्नो लेपर्ड को देखा है। It is amazing experience. It's amazing experience. Thank you, sir, for giving this such a beautiful information. Sir, हम लोग forest में कुछ explore तो नहीं कर सकते हैं? ऊपर, उधर से उस अंदर से जाएंगे? Trekking कर सकते हैं? हाँ हाँ। अगर आपके पास guide वगैरह हो। अच्छा 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 guide है तो हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए उधर कहाँ पर हम लोग को guide मिल सकते हैं? ऊपर जाकर कोई room? अच्छा वहाँ से बातचीत करना पड़ेगा। Okay. So friends, अगर आप यहाँ पर wildlife explore करना चाहते हो, थोड़ा सा risky भी है। तो गाइड लेकर कर सकते हो, ये सिक्किम टूरिज्म के अंडर पड़ते हैं, ये पूरा जंगल है, घना जंगल, यहाँ पर स्नो लेपर्ड है। वाह स्नो लेपर्ड है, जस्ट सोचो सुनने में कितना अच्छा लगता है, स्नो लेपर्ड एग्जिस्ट इन दिस फॉरेस्ट जोन एंड इट इज अमेजिंग अमेजिंग। तो भाई किस्मत अगर आपको साथ दे, ऐसा कुछ प्लान नहीं था स्नो ऐसे का वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने का, पर चलिए देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं है। इससे हम पूरा घूम घूम के ऊपर चले जाएंगे, पूरा जंगल के अंदर से एक्सप्लोरेशन होगा। तो गाइस आई एम फीलिंग डैम एक्साइटेड। तो चलो भाई, आपने स्नो लेपर्ड देखा है? स्नो लेपर्ड बहुत रेयर स्पीसीज है। तो चलो यार फॉक्स चलते हैं। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ पदाम चेन, इट्स अनदर ब्यूटीफुल जन्नत जैसा जगह है गाइस। सो लगभग एक से डेढ़ घंटा जर्नी करने के बाद मैं आ चुका हूँ पदाम चेन और यहाँ पर आज हम लोग हॉल करेंगे। तो एग्जैक्टली एक अलग तरह का फ्लेवर इस पार में एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि सिक्किम का जो एकदम कोर एरिया है ना, जो कोर एरिया है, गाँव है, कस्बा है, ये सब जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये हम लोग का होम स्टे और लुक एट द सीन, यहाँ से देखो सीन कैसा है, जस्ट वाओ।
ये सभी होम स्टे है। यहाँ बैल्कनी में बैठे बैठे जब दूर का नजारा देखोगे ना तो क्या कमाल लगेगा, राइट? फीलिंग सो मच एक्साइटेड मैन, सो मच एक्साइटेड, फीलिंग ग्रेट। जन्नत नहीं देखा तो यहाँ पर आ जाओ, पदम चेन आ जाओ, यू विल फाइंड इट अ ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी ओवर हियर। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, ये पूरा पेड़ और यहाँ पर ये खूबसूरत सा जगह। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा उतरते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये सब होम स्टे वगैरह है, बैठ खड़े यहाँ पर गेस्टों के लिए बैठने का जगह है, ये सब चीज़ें। ये होम स्टे का अलग सा वीडियो मैं करूँगा, पदम चेन का वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, होम स्टे का वो बनाऊँगा, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझको होम स्टे के अंदर जाकर ये वीडियो बनाना पड़ेगा। बट तो चलो गाइस, और दूसरा वीडियो होगा रूम कॉस्टिंग ऑल दिस थिंग्स। ये ऑर्बिट डेस्टिनेशन का मज़ा ही है, ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं, बट आपको थोड़ा सा प्रॉपर प्लान चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप पहले से देखो कैसे पदम चेन आना है। यहाँ से हम लोग का टुमारो जर्नी होगा सिल्क रूट ज़िगज़ैग रोड, और हम लोग का होगा मज़ुलूक, जहाँ पर बहुत बड़ा स्नोफॉल ये सब हम लोग के लिए इंतज़ार कर रहा है। सो फीलिंग डैम एक्साइटेड। सो गाइस, वीडियो के ऊपर क्लोज करते हैं, और पदम चेन का ये जो होमस्टे वाला एपिसोड इसके बाद ही आने वाला है, वो भी थोड़ा सा देख लेना, कॉन्टैक्ट कैसे करना है, कहाँ रहना है, पूरा पूरा डिटेल्स उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, एक ब्यूटीफुल खूबसूरत जगह से आपको गुड बाय करते हुए ब्लॉग को यहाँ पर खत्म करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो।